भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि साउथ वाले करना क्या चाहते हैं। लोग से एक पुष्पा हैंडल हो नहीं रहा है, इन्होंने दो दो पुष्पा निकाल दिया। आज से ठीक एक साल पहले पुष्पा नाम का एक तूफान आया था इंडियन सिनेमा में, जिसने जो है 83 और बहुत सारे मूवी का जो कलेक्शन काट दिया था उसने। और लेकिन फिर उसके बाद जो है वो लोग पुष्पा 2 का इंतजार करने लगे, लेकिन उससे पहले एक और पुष्पा नाम का तूफान आने वाला है जिसका नाम जो है दसरा है। इसका जो थीम, बैकग्राउंड, जो भी म्यूजिक वगैरह जो है बहुत ज्यादा सिमिलर है पुष्पा मूवी से, और लोग इसे बहुत ज्यादा कंपेयर भी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो कंपेयर ठीक नहीं है, क्योंकि पता चला कि मूवी आई, स्टोरी इसमें अलग है, स्टोरी इसमें अलग है, लेकिन जो लुक काफी मैच कर रहा है, इसलिए जो लोग इससे कंपेयर कर रहे हैं, जो कि पुष्पा और इसका जो लुक बहुत ज्यादा मैच कर रहा है। जैसे कि केजीएफ और कब्जा का जो है थीम जो है वो सेम है, वैसे इस मूवी का जो है थीम बहुत सेम है। वैसे मूवी तो बहुत ज्यादा रॉ दिख रही है, इसमें जो है इसके जो डायरेक्टर है जिसने इसकी मूवी की एडिटिंग करवाई है, भाई इसमें जो थोड़ा सा भी स्टोरी का जो है रिवील नहीं किया गया है, स्टोरी जो है बिल्कुल भी रिवील नहीं किया गया है। आपको जो ट्रेलर आप 10 बार देख लो आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है, थोड़ा बहुत जो है लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी स्टोरी कोई पता नहीं कर पाएगा। बाकी जो इसमें जो एक्टर है कृति सुरेश, उनका भी रोल मुझे काफी अच्छा लग रहा है, जिसमें जो सावली, उनका जो कलर जो है थोड़ा सा वो सावली कलर का है, जैसे कि रश्मिका मंदाना थी पुष्पा में, वैसा ही बहुत ज्यादा सिमिलर ये मूवी है, इसी इसका जो कंपेरिजन हो रहा है दोनों मूवी का। बाकी यही देखना रह जाएगा कि मूवी क्या कर दिखाती है। और ऐसे ही रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।